आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के एक तिहाई के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है लड़कों की संख्या का 15% यानी बॉयज का 15%, और 15% का मतलब 15/100। लड़कियों की संख्या के यानी गर्ल का एक तिहाई क्या है, आपस में बराबर है। कर दिए यहाँ बराबर हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग हटा देंगे और बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे। जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो अंक उलट जाएगा, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो 100 यहाँ क्या था, नीचे था, तो यहाँ 100 आ जाएगा ऊपर और 15 हो जाएगा नीचे। काटेंगे इसको हम लोग, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, ठीक। यानी अब कह सकते हैं कि नीचे कितना अंक आ गया, 3 ये और 3 ये, यहाँ क्या है गुना, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ऊपर कितना है ये 20। अब इसको हम लोग यदि फ्रेश लिखें तो यहाँ हम लोग को क्या दिखेगा, बीस बराबर गर्ल इंटू, एक में 20 से करेंगे 20 और 3 × 9, तो b का मान कितना हो जाएगा, b के बराबर में जो अंक होगा वो b का मान होगा, क्या है 20 है, यानी b का मान क्या हो गया 20। अब 20 हो गया b का मान, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा g का मान, ये हो जाएगा g का मान। क्यों, यहाँ दो ही संख्या है, इसमें दो ही संख्या है, एक तो 20 एक तो 9। यदि 20 हो गया b का मान तो बाकी ये जो 9 बचा वो हो गया g का मान। तो बॉयज कितना 20, गर्ल कितना 9। क्या पूछ रहा था, लड़कियों की संख्या का अनुपात, अनुपात कितना हो गया 20:9 का अनुपात। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए, 20:9 का अनुपात। हम लोग का अगला प्रश्न है, 225:144 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्गमूल अनुपात का मतलब वर्गमूल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 225:144 वर्गमूल अनुपात का मतलब वर्गमूल निकालिए और इसका अनुपात क्या होगा। तो 25 का होता है 15, 144 का होता है 12, अनुपात तो है ही, कितना हो जाएगा 15:12। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15:12 के अनुपात में। या इसी को और छोटा भी कर सकता था, क्या कर सकता था, नहीं छोटा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अनुपात में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको काट करके छोटा करना है जब तक कि इसका एचसीएफ 1 ना हो। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्या दिया गया उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जो वर्गमूल आएगा उसका क्या होगा, अनुपात ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कितना आया, 225 का 15 और 144 का 12। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 15:12 का अनुपात। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 12:13 है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, लड़की यानी गर्ल, लड़का यानी बॉय कितना कितना, 13:12 के अनुपात में है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत यानी लड़की कितना प्रतिशत है, तो लड़की कितना है, लड़की यहाँ 13 है, तो लड़की तो 13, लेकिन 13 लड़की है तो टोटल कितना, कितना में 13, तो 13 यहाँ 12 यहाँ कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 में 13 लड़की, 25 में कितना लड़की, 13 लड़की। या क्या बोल रहा है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए,
यानी टोटल स्टूडेंट में लड़का और लड़की मिला करके जितना है उसमें लड़की का प्रतिशत कितना है, तो 25 में 13, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में कितना, तो 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे, 25 चौक 100 गुना करेंगे 13 चौक 52 क्या परसेंट, यानी कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है 52% लड़की कक्षा में है, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग के पास होना चाहिए, तो लड़का और लड़की मिला करके 25 में 13 लड़की, तो टोटल कितना प्रतिशत, प्रतिशत बदलने के लिए इंटू 100, आगे हम लोग का 52% लड़की कक्षा में है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बोतल का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, बोतल का 2/5 भाग, कितना भाग भरा हुआ है, भरा हुआ है, अंत में क्या बोल रहा है, भरा हुआ है 2/5 भाग भरा हुआ है, तो लास्ट में कौन सा सेंटेंस आया, भाग भरा हुआ है, जो अंत में आएगा ऊपर वाला वही होता है, यानी कि कितना भरा हुआ है, 2 भाग भरा हुआ है, तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे हो जाएगा टोटल, टोटल यानी कह सकते हैं हम लोग कि 5 भाग में 2 भाग क्या है, भरा हुआ है, तो भरा हुआ कितना हो गया 2, तो 5 में 2 भाग भरा हुआ, तो खाली कितना हो जाएगा, खाली भाग कितना हो जाएगा, 5 में 2 भरा हुआ, तो 5 में से 2 को घटा देंगे 3 आएगा, यही क्या है, खाली है। पूछ क्या रहा है, भरे हुए भाग यानी ये, उसके खाली भाग यानी इससे अनुपात क्या है, तो कितना हो जाएगा 2:3 के अनुपात में क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 2:3 के अनुपात में, भरा हुआ भाग और खाली भाग। या इसको हम लोग इस तरह से भी जान सकते हैं, क्या बोला है, बोतल का यानी टोटल बोतल, बोतल बोतल का 2/5 क्या है, भरा हुआ है, भरा हुआ यानी भरा हुआ भाग कितना है, टोटल बोतल का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे क्या मिला 2, तो भरा हुआ 2 हो गया। अब यहाँ 2 ही अंक है, 2 और 5, और यहाँ 2 ही चीज है, एक तो बोतल टोटल यहाँ भरा हुआ, तो भरा हुआ 2 आ गया, तो ये 5 क्या होगा, टोटल बोतल का भाग, तो 5 भाग में 2 भाग भरा हुआ, तो खाली कितना हो जाएगा, खाली कितना हो जाएगा, तो 5 में 2 भरा हुआ, तो बाकी बचा कितना 3, तो यही हो गया खाली, तो भरा हुआ भाग और खाली भाग अनुपात कितना हो गया, 2:3 का अनुपात में। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पहली संख्या का 25%, पहली संख्या का यानी गुना 25%, ठीक है भाई 25%, दूसरी संख्या का 50% का 50% के 50%, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, 3 गुना कौन है, ये 3 गुना है, बोला ना पहली संख्या का 25% यानी इसका 25% इसके 50% का 3 गुना यानी ये 3 गुना है, तो जब ये 3 गुना है और हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में यहाँ बराबर कर दें, तो बराबर कब होगा, इस पूरे का ये 3 गुना है और हम यहाँ दे दिए बराबर, तो बराबर कब होगा, ये तो 3 गुना है ही, यदि इसको भी 3 गुना कर दें तब ये बराबर हो जाएगा, बोल रहा है पहली संख्या का 25% यानी इसका 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना यानी इसका 50% निकालने के बाद भी जो आता है
उसका तीन गुना ये है, यानी ये तो तीन गुना है ही, इसको यदि तीन गुना कर दें तो ये और ये क्या होगा, पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग काट लेंगे, 25 दुना 50, यहाँ परसेंट था यहाँ भी परसेंट था, इसलिए परसेंट से परसेंट खत्म है। इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 6, यानी कि पहली संख्या के यदि हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, पहली संख्या के लिए बराबर के दूसरे साइड में अंक देखेंगे तो क्या मिला हम लोग को, 2 और 3 किस रूप में, गुना के रूप में, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी पहली संख्या कितना आ गया, 6। दूसरी संख्या के लिए आएंगे बराबर के दूसरे साइड में तो दूसरी संख्या के लिए यहाँ क्या मिला, कोई अंक नहीं है, जब इसके साथ कोई अंक नहीं है तो गुना में कोई ना कोई अंक तो होगा, तो जिस संख्या के साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ 1 रहता है, क्यों, जब इसको हम लोग 25 दुना 50 काटे तो इसको कह सकते ना कि 25 एकम 25, अब 25 दुना 50 काटे होंगे तो यहाँ क्या मिला हम लोग को, 1, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो गया 1। क्या बोल रहा था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात लिख दिया अनुपात, तो क्या हो गया हम लोग का 6:1 का अनुपात में आंसर, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6:1 का अनुपात। अब इस पूरे क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज, क्या होगा, मैथ का डोज ज्वाइन करें, वहीं आपको पूरे क्लास का PDF क्लास बाय क्लास मिलते जाएगा।